नाना जी का भी कहा आज देश में बहुत बड़ा एक विषय हो रहा है कि पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर कई सारा विवाद उठ खड़ा। मुझे लगता है पाकिस्तान कलाकार ये बातें बाद में, पहले मेरा देश, देश के अलावा मैं किसी को जानता नहीं और ना तो मैं जानना चाहूँगा। कलाकार, हम कलाकार देश के सामने इतने खटमल की तरह इतने से है, हमारी कीमत कोई नहीं है। पहले देश, देश के बाद अगर कोई कुछ है तो फिर बाद में बात करो। लेकिन बॉलीवुड इस बारे में बटा हुआ है। बॉलीवुड जो क्या कहता होगा ना, मुझे क्या जान। मैं सेना में था, मैंने 2.5 साल वहाँ गुजारे हैं, तो मुझे मालूम है सबसे हमारे बड़े हीरो कौन हैं। ये हमारे जो जवान हैं, इनसे बड़े कोई हीरो हो नहीं सकते दुनिया में, समझे ना। एक पाकिस्तानी कलाकार फ्रांस में जब अटैक होता है तो उसकी निंदा करते हैं, उसके खंडन करते हैं। देखो देखो, तुम्हें कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ, क्या चाहिए बताओ। ग्रेट है, मैं मतलब ना, हम जो खरे हीरो जो है, हमारे जो असल हीरो जो है वो हमारे जवान है। हम तो बहुत परचुटन मामूली और नकली लोग है, तो हम जो कुछ बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो। तुम्हें समझ में आया मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ? तो उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ जो हम जो पटर पटर करते हैं, उनके ऊपर ध्यान मत दो। इतनी अहमियत मत देना किसी को, उनकी औकात नहीं उतनी अहमियत की। ओके, थैंक यू। बोला मैंने कह दिया ना, मुझे जो कहना था मैं कह दिया। मुझे लगता है कि हम कलाकार देश के आगे कुछ नहीं है, हमारी कीमत जीरो है। हमारे असली हीरो हमारे जवान हैं और उनके प्रति हमारे दिल में, अगर किसी के दिल में आदर नहीं है तो उनका आदर हम नहीं करेंगे। सर, अनेक कलाकार मुंबईत येतात, अल्टिमेटम दिलं जातं त्यांना, असं म्हणजे नियोग्य वाटतं काय ते 48 तासात मुंबई सोडायची वगैरे असं। कोण कोणाला माणसे कह रही है की पाकिस्तानी कलाकार को चुन चुन के मारेंगे सेट पे जाके अगर वो देश नहीं छोड़ते तो, असं पद्धतीने अल्टिमेटम दिलं जातं। मला असं वाटतं हे सरकारचं काम आहे, सरकार करेल ना। म्हणजे चुन चुन के मारेंगे वगैरे काय हे नाही, मला नाही बरं वाटत चुन चुन के मारेंगे, पण त्यांना काम देऊ नये या मताचा आहे मी आता या क्षणाला तरी। आता काम देऊ नये त्यांना, कारण काय आहे सरतेशेवटी, तुम्ही दोन्ही गोष्टी जर म्हणत असाल, कला कला वेगळी आणि असं नाही आहे, ज्यावेळी देश येतो त्यावेळी देश पाहिला, मग कला वगैरे ह्या गोष्टी सगळ्यात शेवटी। पाकिस्तानी कलाकार को इस समय काम देना उचित है? किसको? पाकिस्तानी कलाकार। मुझे लगता है कि जो ये पॉलिटिकल मामला है वो हमको, हमारे जो पॉलिटिशियन है उसको सुलझाएंगे हमको उसमें। मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि इस वक्त उनको कहो कि भाई भाई ये सुलझाने के बाद आपको जब आना है। देखो बॉर्डर पे हमारे जो उनकी तरफ से जो जवान हैं हमारी तरफ से तैनात होते हैं, जब जंग नहीं छिड़ी हुई होती है तब एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार होता है, लेकिन जब जंग छिड़ी जाती है तो एक दूसरे पे गोली मारते हैं। तो ये वो पर्सनल तो दोस्त दुश्मन है नहीं ना वो, लेकिन ये हमारा पॉलिटिकल डिसीजन है तो उसकी वजह से ये करना पड़ता है तो करना पड़ता है, और उसमें अगर कोई गलत है तो बताओ। सर, आपकी खुद की राय ऐसी है कि पाकिस्तानी कलाकारों का इस समय काम करना उचित नहीं है? मैंने बोल दिया कितने बार, क्या बोलना चाहते हो, कौन सा लफ्ज चाहिए मेरे मुंह में वो बताओ, मैं बोलने को तैयार हूँ। वही सवाल तुम, पाकिस्तानी कलाकार जो है उनको सलमान ने कहा वीजा दिया है गवर्नमेंट ने, सलमान ने कहा वो टेररिस्ट नहीं है, दोनों बातें सही है, लेकिन मैंने यही कहा जब जंग होती है दो देशों में, जब जंग हो रही है तो हमको अलग होना चाहिए, जब जंग नहीं होगी तब आप तो बाद में वो पॉलिटिकल डिसीजन होगा नहीं।